नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल व्यू ऑफ डिफरेंट इंडिया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगुजा के बारे में। दोस्तों, सरगुजा, अगर आप भारत के झारखंड प्रदेश में रहते हैं तो आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। दोस्तों, सरगुजा का तेल काफ़ी उच्च श्रेणी के तेल के रूप में आज माना जाता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज इसकी खेती न के बराबर हमारे क्षेत्र में हो रही है। दोस्तों, यह एक तिलहन की फसल है। सरगुजा को राम तिल, काला तिल के अन्य नामों से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में नाइजर के नाम से जाना जाता है और इसका साइंटिफिक नाम ग्यूजोटिया एप्सिनिका है। विकिपीडिया के अनुसार इसकी खेती इथोपिया, एरिट्रिया, मालावी और भारत में की जाती है। झारखंड प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में इसकी खेती की जाती थी। इसकी खेती झारखंड में काफ़ी प्रचलित थी, लेकिन अब इसकी खेती लगभग न के बराबर हो रही है। दोस्तों, यह तेल कैलोरी फ्री होता है और यह हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। स्पेशली हार्ट के रोगियों के लिए यह ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा फैटी एसिड एंड लियोनिक एसिड पाई जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस बनाती है। ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ यह तेल मसाज ऑयल के रूप में भी जाना जाता है। इस तेल में हीलिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है तो इस तेल के सेवन से वह जल्द ठीक हो जाता है, और यह इम्यूनिटी बूस्टर भी है। दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप इसका मसाज करके रात में सो सकते हैं, इससे आपको लंबी और गहरी नींद आएगी। दोस्तों, यह फसल कल्चरली भी झारखंड से जुड़ा हुआ है। सोहराई के दिवस पे लोग मवेशियों का स्वागत करने के लिए इसका उपयोग झारखंड में किया करते थे, लेकिन आज इसकी उपयोगिता लगभग गौन हो गई है और लगभग यह विलुप्त के कगार पे है। आज बाज़ार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके पीछे इसका कारण है भारत जैसा कृषि प्रधान देश, जहां आज भी 56% ऑयल बाहर से इम्पोर्ट होकर के हमारे देश में आ रहा है। इसमें अगर टैक्सेस की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ 35% लग जाती है, जिससे इसका दाम और बढ़ जा रहा है। लगभग अगर आप 100 रुपये का तेल मार्केट में आज परचेज कर रहे हैं, खाने वाला ऑयल, तो उसमें 35 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से। दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आप तेल की खेती करते हैं, हमारे किसान भाई, तो आप काफ़ी रुपये बचा सकते हैं और ख़ुद भी आत्मनिर्भर तो बन सकते हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा योगदान दे सकते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार में और अपने सुधार में भी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।